तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गाइस जी सबका न्यू वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के वाला वीडियो काफी मजे का होने वाला है और आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज मैंने एक इंडियन यूट्यूबर को मारा है और अपने जैसे छोटे यूट्यूबर को मारा है भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा जैसा की मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू होते ही दिखाया, लेकिन यहाँ पर एक मैं और भी दिखा रहा हूँ, तो ये भी देख लेना। और ये लो बूम बम, आपके भाई का हो चुका है एक अच्छा सा यूनिवर्स, ठीक है। अगर अच्छा लगा है ना भाई तो लाइक जरूर कर देना। अब जाते हैं अपनी मेन वाली गेम प्ले पे जिसमें मैंने यूट्यूबर को मारा था, और यूट्यूबर को मारने के बाद मैं वापस आऊंगा और यही गेम प्ले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई। इसमें मैंने पूरे 15 किल निकाले है, तो फिर से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मिस मत करना। और हाँ भाई, यही गेम प्ले है जिसमें मैंने VIP डिलक्सी है के डिलक्सी है डिलक्स है क्या है मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन इस यूट्यूबर को मैंने मारा था। तो जहाज गुजर रहा था स्टेडियम के ऊपर से, ठीक है, और मैं भी स्टेडियम चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इस यूट्यूबर को चैलेंज मैंने नहीं दिया था, ठीक है ना। इतफाक से ये यूट्यूबर भी स्टेडियम चला जाता है और मैं भी अपने स्क्वाड के साथ चला जाता हूँ स्टेडियम के अंदर। लेकिन आज मैंने एक यूट्यूबर को मारा है, आप लोगों को यूट्यूबर का चैनल भी दिखाया, ठीक है, साथ में यूट्यूबर का नाम सब कुछ दिखाया, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि इस बंदे का नाम क्या है। तो मेरा उस्ताद जी कहता था भाई की इंग्लिश का पीरियड ले लो, लेकिन मैंने कभी इंग्लिश का पीरियड नहीं लिया है भाई, तो अभी मुझे पछतावा हो रहा है। तो भाई आपको मैं एक नसीहत कर रहा हूँ भाई की इंग्लिश का पीरियड जरूर ले लेना, क्योंकि आप भी फिर पछताओगे। अब यहाँ पर मुझे जिस बंदी ने डैमेज दे दिया ना भाई, तो ये वही यूट्यूबर है जिसका मैं बात कर रहा था, और बाकी आप देख लो भाई कि क्या हो जाता है मेरे साथ। अब मैंने यहाँ पर इस बंदे को बहुत इजीली टेक डाउन किया, ठीक है, लेकिन एक जादूगर ने मुझको भी नॉक किया और यहाँ पर मेरा मिशन फेल हुआ। और यहाँ पर मेरे साथ स्टेडियम के अंदर आए थे मेरे दो टीममेट, लेकिन उसको भी जादूगर नॉक कर देते हैं और साथ में फिनिश कर देते हैं, और मेरा जो 4 नंबर टीममेट था वो ऑफलाइन हो जाता है भाई। तो हम इस मैच को एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेडियम के अंदर नॉक पड़े थे और मेरा टीममेट नंबर 4 फैक्ट्री में था। तो मेरा टीममेट नंबर 4 अगर वहाँ पर ऑनलाइन भी होता ना भाई, तो फिर भी वो हमारा हेल्प नहीं कर सकता था भाई, तो इसलिए मैंने इस मैच को एग्जिट किया। तो जैसा कि वीडियो शुरू होती ही मैंने आप लोगों को दिखाया एक अच्छा सा यूनिवर्स, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जिस गेम प्ले में मैंने यूट्यूबर को मारा है वो दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हम अपनी गेम प्ले पे वापस आएंगे। तो फिर से आ चुके हैं अपनी मेन वाली गेम प्ले पे भाई, तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इस वाली गेम प्ले में मैंने की है पूरे 15 किल। तो हाँ भाई जान, यहाँ पर मैं 2-3 बोट्स को मार देता हूँ, और जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ ना भाई, तो देख लो तो इस प्रो एनिमी को मारने के बाद आपके भाई के हो चुके हैं पूरे 7 किल, ठीक है, तो अभी 8 किल बाकी है, वो भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे केडी को बढ़ाने के लिए एक बोट खड़ा था, तो इसको भी मैं मार देता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं एक अच्छा सा यूनिवर्स निकालने वाला हूँ फिर से भाई, लेकिन रियल बंदों के अगेंस्ट। तो ये वाला यूनिवर्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और यहाँ से अगला वन यूनिवर्स स्टार्ट होता है भाई, तो इस एनिमी को तो मैंने बहुत इजीली टेक डाउन किया, ठीक है, और मैं जाता हूँ सामने वाले कमरे के अंदर और मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ। और भाई यहाँ पर खिड़कियों से देख रहा था कि इस बंदे का और टीममेट्स इसके पास है कि नहीं भाई, तो एक टीममेट मुझे मिला इस बंदे का, और जैसा इस बंदे को मैंने नॉक किया ना भाई, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि ये 2 बंदे थे और दोनों फिनिश हो गए, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं था। राहुल गेमिंग को मैंने नॉक किया था भाई, तो अब वो फिनिश हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि दोनों फिनिश हुए। तो मैं क्या कर देता हूँ, ओपन में आ जाता हूँ और इन 2 बंदों का क्रेडिट लूटने के लिए जा रहा था, लेकिन खुद देख लो।
और ये वही बंदा था जिस पर मैंने धोखा खाया था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने राहुल गेमिंग को भी मारा और साथ में इस बंदे को भी मारा, मतलब दोनों फिनिश हो गए। लेकिन स्क्वाड का तीसरा बंदा भी यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, और इसने इस बंदे को रिवाइव दिया था जिसको मैंने नॉक किया था। और मुझे ऐसे लग रहा था भाई कि दोनों मर गए लेकिन एक बचा था जो कि अभी मैंने फिनिश किया। ठीक है, अब बारी आती है उस बंदे की जो पेड़ के पीछे है। यहाँ पर मेरे हाथ में जीतरी भी थी, साथ में एक एम भी था, लेकिन जीतरी में बुलेट्स कम थी तो इसलिए मैं ओपन में नहीं आता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन खैर, इस बंदे के लिए मेरे वो कम बुलेट्स भी काफी थे। तो यहाँ पर 1v3 करने के बाद एक बोर्ड आ जाता है और इससे मेरा 1v4 पूरा हो जाता है। तो अब जाते हैं आगे की तरफ, वो भी देख लेना। तो यहाँ पर भी एक बंदा था, इसको मेरी जीतरी की मदद से बहुत इजीली टेक डाउन किया। ठीक है, अब फिनिश करने के लिए जाता हूँ। और जैसे ही मैंने इस बंदे को फिनिश किया ना भाई, तो खुद देख लो एक गाड़ी ने मेरे ऊपर रश किया। अब पता नहीं, यहाँ पर तो एक बंदे मेरे ऊपर रश किया और मेरी मोबाइल ने इतने गाने गाए कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर 15 किल पूरे हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं एक भी किल नहीं करने वाला। तो बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा वसलाम। लेकिन अपने छोटे भाई को जरूर दुआ में याद रखना।